खाली किताब नहीं है इसके अंदर पूरा समंदर है सर इसके पीछे जो मोटिवेशन है वो सिर्फ अलीगढ़ मूवमेंट है और उसके बानी सर सैद अहमद ख़ान साहब है, है। तस्वीरें जिसमें अलीगढ़ का एनी थिंग एंड एन एवरी थिंग इंशाल्लाह आप जब इस किताब को खोलेंगे तो चाहे वो मटरी हो चाहे वो आपका दिल्ला हो चाहे वो राइडिंग क्लब हो चाहे हॉस्टल्स हो चाहे सरसैय का काम हो चाहे वो मिशन हो चाहे अलीगढ़ के गेट्स हो ऑडिटोरियम्स हो मतलब यू नेम इट और आपको इन वो चीज़ मिलेगी कि यहाँ मिलता रहेगा सोजो साज आजू बरसों यहाँ मिलता रहेगा सोजो साज आजू बरसों किया है खून दिल से एक कलंदर में वजू बरसों

It's Discovering AMU by Mr. 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 Hanif, Hanif Hanif, and we are really glad to have Mr. with us. Mr. Haneef, would you like to please introduce yourself? Uh, बहुत बहुत शुक्रिया नाइला जैसा कि आपने बताया ये एक किताब है और खाली किताब नहीं है इसके अंदर पूरा समंदर है और जो मेरी कोशिश थी वो कोशिश ये थी कि मैं थोड़ा सा आपको तफसील में बता देता हूँ क्योंकि मेरे तारों की शायद यहाँ ज़रूरत नहीं है और क्योंकि गुफ्तगु अगर हम अलीगढ़ पे करें और किताब पे करें तो मेरे ख़्याल से सुनने वालों को भी उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ जाता हूँ ख़ुद से ही आ जाता हूँ देखिए इसमें हुआ ये कि जब ये कोविड चल रहा था और यहाँ मैं अमूबा लखनऊ में भी ज़िम्मेदारी है मेरे पास तो काफ़ी लोगों से मुलाकातें होती रहती थी और अलीगढ़ के बारे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में ये जिक्र चलता रहता था लेकिन मुझे ये लगता था कि हम अलीगढ़ से जुड़े तो बहुत हैं लेकिन कहीं कही ना कहीं हमारे पास मालूम की कमी है इन्फॉर्मेशन की कमी है तो उसी सिलसिले में मैंने ये विजुअलाइज़ किया कि कुछ एक ऐसी किताब आनी चाहिए कुछ सारी चीज़ों को एक जगह जमा करना चाहिए तो ये किताब जो है बस इसी थॉट प्रोसेस का नतीजा है बट आपने ये किताब लखनऊ में बैठे बैठे आपने सोचा अपने कंपाइल की तो आपको तो इतना मोटिवेशन कहाँ से आया लाइक आर यू सच मोटिवेटेड इंस्पायर्ड अलीग और द द पीपल अराउंड यू यू मोटिवेटेड और इंस्टीट्यूशन दीपल द मोटिवेशन बिहाइंड लाइक इतना सोचना कंपाइल करना इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टाइम एवरी थिंग देखिए सवाल आपका बहुत अच्छा है और इसके पीछे जो मोटिवेशन है वो सिर्फ अलीगढ़ मूवमेंट है और उसके बानी सर सैयद अहमद ख़ान साहब हैं क्योंकि मैं अलीगढ़ में 1992 में गया सात साल में वहाँ पे रहा 1992 से 99 प्लस टू ग्रेजुएशन फिर एम अलग अलग फ़ैकल्टीज़ में मैं वहाँ रहा बहुत करीब से मैंने अलीगढ़ को देखा अलीगढ़ को पढ़ा अलीगढ़ को सुना अलीगढ़ को समझा और उसके बाद भी ये सिलसिला जो है ये तब से आज तक ये चल रहा है और जैसा आपने सवाल अभी पूछा कि ये कोविड का दौर था सारी चीज़ें बंद थी पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया बंद थी और हमें ये काम सेंटीनरी पे करना था ये मेरा टारगेट था तो उसमें मुश्किलें थीं आप आ जा नहीं सकते थे लेकिन उसके बावजूद मैं वहाँ मैंने कई चक्कर लगाए अलीगढ़ के और सबसे पहला जो मेरा सफ़र था बहुत ही तारीखी सफ़र था मेरे एक दोस्त मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो अलीगढ़ के नहीं है फ़हद महमूद साहब उनका नाम है मैंने उनको लिया तो अलीगढ़ मूवमेंट जो एक बहुत ख़ास चीज़ है अलीगढ़ मूवमेंट ख़ाली अलीगढ़ वालों को इंस्पायर नहीं करता है ये पूरी दुनिया को करता है और इसमें अलीग या नॉन अलीग होने की कोई शर्त नहीं है तो आपने जो सवाल पूछा है, ये उसी कोविड में हम लोग गए कई दिन वहाँ रहे तस्वीरें खींची लाइब्रेरीज़ लोगों से मिलना जुलना ये एक सिलसिला चलता रहा और बड़ी मुश्किलें भी थी कि दफ्तर बंद हैं आपके आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते सीनियर लोगों से आप मिल नहीं सकते हैं कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे तो उसी में ये काम चला लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया और बहुत दिक्कतें आई तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी ये काम हुआ और जो आपने कहा कि देखिए उसके पीछे जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सर सैद अहमद ख़ान है और उनका मिजन और उनका विजन है उसी के ही ऊपर ये सारा काम है मुझे आल अहमद सरूर के दो मिसरे याद आते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ कि यहाँ मिलता रहेगा सोजो साज आरजू बरसों यहाँ मिलता रहेगा सोजो साज आरजू बरसों किया है खून दिल से एक कलंदर ने वजू बरसों ज और जैसे कि आपने कहा दिस इज़ अटनरी पब्लिकेशन आपने अलीगढ़ मूवमेंट का जिक्र किया तो अलीगढ़ जैसा आपने कहा कि अलीगढ़ मूवमेंट इज़ नॉट कन्फाइंड ओनली टू अलीगढ़ तो इसी बारे में आपका क्या पैगाम है टू द कम्यूनिटी सोसाइटी द नेशन एंड द यूनिवर्स एट लार्ज बिकज़ अलीगढ़ इज़ नॉट कन्फाइंड टू इंडिया इट्स ग्लोबल इट्स लाइक इट्स अ ग्लोबल रेवोल्यूशन जी तो आप क्या कहना आपका नायला बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि देखिए जब हम अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं ख़ास तौर से पहली चीज़ से लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन मुझे यही लफ्ज़ इस्तेमाल करना पसंद है क्योंकि आम तौर पर लोग जब सर सैद अहमद ख़ान को देखते हैं तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर की तरह देखते हैं लेकिन मैं सर सैद अहमद खान साहब को अलीगढ़ मूवमेंट का बानी की तरह देखता हूँ पहली चीज़ और जैसा कि हम लोग लखनऊ में बैठ के गुफ्तु कर रहे हैं तो अलीगढ़ या यालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या यालीगढ़ मूवमेंट या ख़ाली अलीगढ़ की चारदीवारी में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है पहली चीज़ हम लोग लखनऊ में बैठे हैं जैसे मैंने बताया ये सारा काम मैंने लखनऊ में बैठ के किया बहुत मुश्किल थी बहुत मुश्किल आई लाइब्रेरी में एक्सेस करना वहाँ पे डॉक्टर अता खुर्शीद साहब हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद करी आउट ऑफ द वे जाके एक एक चीज़ देना पुराने डॉक्यूमेंट्स पुरानी किताबें उनको निकालना उनको पढ़ना ये सब सारी चीज़ें थी और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन था जो मैंने अभी भी आपसे जिक्र किया कि इसमें अलीग नॉन अलीग का कोई वो नहीं है जैसे मैंने डॉक्टर ताख रची साहब की बात की बुनियादी तौर पे उन्होंने भी अलीगढ़ से नहीं पढ़ा है जबकि वो अलीगढ़ मौलाना आजाद लाइब्रेरी में है तो अब देखिए जो मुझे थाट आता है मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक शेर है वो भी नॉन अलीग का लिखा हुआ है कि चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर हम अपनी रूह अलीगढ़ में छोड़ आए हैं तो ये जज्बा जो है इसी जज्बे को लेके जो अलीगढ़ से बाहर जो लोग रह रहे हैं जैसे मैं लखनऊ में रह रहा हूँ और ये खाली लखनऊ नहीं है पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में ये जो है जज्बे जज्बात जो हैं ये मौजूद हैं और इसी के तहत मैंने बस ये काम किया और मेरी एक छोटी सी अदनासी कोशिश है ये नहीं वेरी एफर्ट और जैसे आपने कहा कि अलीगढ़ ने सरहदें मिटा दी हैं जो जज्बात हैं वहाँ पे कोई सरहदें नहीं है देर आर नो लिमिट्स नो रेस्ट्रिक्शंस नो नथिंग लाइक दैट आपकी बुक हम लाइक आपकी किताब हम पढ़ रहे थे और जो इसकी आपने इब्तदा की है जो शुरुआत है बहुत ही खूबसूरत अल्फाज से की है दैट इट्स लाइक फर्स्ट बुक ऑन एम यू एंड इट इज़ लाइक इट एम्स टू कैप्चर इट्स एंटायर ईसेंस इन अ यूनिक मैनर तो इस पर आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे लाइक प्लीज़ like जी नाह ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और असल में बड़ा मुश्किल सवाल भी है क्योंकि देखिए अलीगढ़ पे और सर सैद पर उनके वक्त से लिखा जा रहा है उनके सामने लिखा जा रहा है उनके जो रुफ़ा थे वो उस वक्त से लिख रहे थे सर सैद ख़ुद लिख रहे थे और ये सिलसिला चल रहा था और तब से लेके आज तकरीबन डेढ़ सौ साल तो हम हमने सत सला तकरीबा ज़रूर मनाई हैं लेकिन ये डेढ़ सौ साल का सफ़र है और इस डेढ़ सौ साल के सफ़र में तमाम किताबें आई हैं और बहुत एक से एक किताब है हर किताब अपने आप में बहुत यूनिक होती है बहुत काम की होती है मेरे लिए हर किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे पास ख़ुद अपना कलेक्शन है इन सब सारी किताबों का जो भी आती हैं लेकिन मुझे जो फ़िक्र थी जो मेरा सोच थी इस किताब के पीछे वो अगर आप आज का कोई तालब इल्म है कोई भी अगर वो अलीगढ़ को समझना चाहता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को समझना चाहता है अलीगढ़ मूवमेंट को समझना चाहता है तो उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतनी अलग अलग किताबों को पढ़े पहली चीज़ दूसरी चीज़ आज जो उर्दू का जवाल हो गया हमें और आपको उर्दू आती है लेकिन अब नई नस्ल को उर्दू नहीं आती है हमारा 90 परसेंट कंटेंट जो है वो उर्दू में लिखा रखा है तो अब अगर आज का कोई स्कॉलर कोई तालबिल या कोई अली, कोई नॉन अलीग अगर पढ़ना चाहता है तो वो उन किताबों को कैसे पढ़े ये दूसरी मुश्किल थी तो हमने जानबूझ के मैं ये काम उर्दू में भी कर सकता था हिंदी में भी अंग्रेजी में भी लेकिन मैंने जानबूझ के इसको अंग्रेज़ी में किया पहली चीज़ और मैंने इसमें सौ से ज़्यादा चैप्टर्स लिए जिसमें अलीगढ़ का एनी थिंग एंड एवरी थिंग है इनशाला आप जब इस किताब को खोलेंगे तो चाहे वो मटरी हो चाहे वो आपका बिल्ला हो चाहे वो राइडिंग क्लब हो चाहे हॉस्टल्स हो चाहे सर सैद का काम हो चाहे विजन और मिशन हो चाहे अलीगढ़ के गेट्स हों ऑडिटोरियम्स हो मतलब यू नेम इट और आपको इन वो चीज़ मिलेगी किन की कुछ चीज़ों पे क्या होगा कि आपको पूरे पूरे आर्टिकल्स मिलेंगे कहीं कुछ पैराग्राफ मिलेगा कहीं कोई हो सकता है फ़ोटोग्राफ़ मिले कहीं उसका जिक्र मिलेगा लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर इनशा तो मेरी ये कोशिश है कि उन चीज़ों को सबको मैंने पहले जमा किया और मतलब महीनों आपको बताऊँ मैंने इस पर काम किया कि अलीगढ़ से जुड़ी वो क्या चीज़ें हैं क्योंकि मैं आपको बुनियादी वजह ये बताऊँ जब मैं लोगों से मिलता हूँ या आप भी मिलते हैं तो कोई भी शख्स जिस दौर में रहा है वो उस दौर की बात सिर्फ करता है मान लीजिए अगर कोई ड्रामा क्लब में था तो वो ड्रामा क्लब के इर्द गिर्द उसकी ज़िंदगी घूमी है कोई अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक क्लब में था अगर कोई ऐसी तलेब इम रहा जो सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी में था तो उसको नहीं पता मेडिकल कब हुआ या ब्लाइंड स्कूल की क्या कहानी है जो अब्दुल्ला से कभी बाहर नहीं आया उसको नहीं पता है कि स्ट्रेची हॉल के अंदर क्या है तो मेरी ये कोशिश थी कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे आना चाहिए तो आपने सारे राज खोल दिए जी। just, नहीं बट बिकॉज लाइक हम इसके कंटेंट के थ्रू इज गोइंग थ्रू एंड आई कुड फाइंड कि ये बस इट्स नॉट कि एक हिस्ट्री है जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई है एंड इट्स नॉट वेरी बोरिंग जैसे आपने कहा कि आपने टारगेट किया है टू अ वेरी वाइडर पॉपुलेशन अक्रॉस एजस ऐसा नहीं है कि बस हमारे पुराने लोगों को ये एंटरटेन करेगी ये हमारे नए लोगों को भी नए बच्चों को भी एंटरटेन करेगी उन्हें एक इंट्रोडक्शन देगी अलीगढ़ का और जो सबसे मज़ेदार बातें थी इसमें जो आपने अलीगढ़ की रिवायतों के बारे में ट्रेडिशनस के बारे में फूड कल्चर द लिंगो वेरी टिपिकल लिंगो जो अलीगढ़ में सब बोलते हैं और जिससे उनका कनेक्ट है दैट दिल का रिश्ता विवी से सो दैट लिंगो इज़ देर खाना इज़ देर मटरी खारी चाय और बहुत ही मज़ेदार पेज था जिसमें आपने वो चाय के सारे शेड्स रखे हुए हैं भैया जो अलीगढ़ है mm -hmm. अलीगढ़ वाले हैं वो सारे चाय पीने वाले हैं हम कभी चाय नहीं पीते थे अलीगढ़ जाके चाय पीना शुरू yeah. कर दिया आदतें बिगड़ गई हमारी तो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक विच आई फाउन वर्स कि Everyone, anyone and everyone could find that connect, that relationship. Right, it's right. not only for the purpose of education, right. but we can find that connection, that relationship. So it's a very, very beautiful compilation, very nice Shukya. compilation. I would really like to congratulate you on this. Thank you. Um because you are the author and you know your book better. इसमें कौन से ऐसे यूनिक एलिमेंट्स हैं कौन सी ऐसी बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे कि इट शुड रीच द रिच सब पढ़ें सब जानें सब देखें कुछ स्पेशल चीज़ें देखिए जो मैंने आपको बताया कि मैंने जब सौ चैप्टर्स विजुलाइज किए तो मैंने महीनों उस पर काम किया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आना चाहिए और वो बहुत छोटी छोटी चीज़ भी हो सकती है मान लीजिए कि कैफे दिफूस है तो अब ये अलीगढ़ वालों को पता है कि कैफे दिफूस क्या चीज़ है या अब्दुल्ला के सामने अगर एक मिल्क बार है तो वो वहाँ के लोग जानते हैं तो वो चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए या अगर अब्दुल्ला में पर्ची जाती है लेकिन अब तो खैर मोबाइल का ज़माना है वो व्हाट्सएप पे चीज़ें आ गई हैं तो खैर आपके मैं सवाल पे वापस आता हूँ देखिए इसमें जो मेरी कोशिश थी मैं आपको कुछ पांच सात चीज़ें जो मेरे जहन में आती हैं मैं बताता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि वो चीज़ें आपको दूसरी जगह पर या तो नहीं मिलेंगी या मिलेंगी तो कहाँ होंगी ये किसी को नहीं पता है जैसे मान लीजिए कि जब हम स्ट्रेची हॉल देखते हैं तो उसके सामने जो सेंटर पिलर है उसके ऊपर एक स्पीच लिखी हुई है ऑकलैंड कॉलविन की 1892 में उसमें आप डेट बाकायदा लिखी है और खम्बा बहुत धुंधला सा हो गया पढ़ने में नहीं आती तो मेरी हेरिटेज सेल के जो कन्वीनर हैं फरहान फाजली साहब उन्होंने बड़ी मदद की है वो पूरी की पूरी स्पीच जो है इसके अंदर एक पन्ने में लिखी हुई है उससे पहले मेरी अपनी पूरी रिसर्च है फ़रहान फाजली साहब ने भी ढूंढ लिया ये स्पीच हमने कभी डॉक्यूमेंट नहीं करी मुझे नहीं पता क्यों नहीं करी लेकिन नहीं हुई कुछ मैं आपको दो तीन चीज़ें और बताता हूँ जैसे मिन्टो ई कब्रिस्तान है आम तौर पर लोग इसको मिन्टो ई कहते हैं जबकि इसका नाम मिन्टो ई है अच्छा ये भी ऑफिशियल नाम नहीं है तो मेरा सवाल ये था जहन में कि एक मुस्लिम ग्रेविएट का नाम मिटो ई क्यों है मुझे इसका सवाल चाहिए था इस सवाल का बेसिकली जवाब चाहिए था तो इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल है कैंपस के इन ऑन अराउंड कितनी सड़कें हैं हम तमाम देखते हैं शिबली रोड जैन अलाब्दीन रोड और इस तरह की चीज़ें तो हमने बहुत रिसर्च किया और 24 सड़कें ढूंढ के निकाली कि आसपास ये तो कैंपस के अंदर और आसपास पास ये सड़कें कौन है ये इससे पहले कभी नहीं हुआ तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जो वाकई इससे पहले कभी हुई नहीं है तमाम जैसे हमारे कितने लुबनाई हैं उनको बड़े बड़े कौन से अवार्ड्स मिले इसका कंपाइलेशन हुआ था लेकिन वो टुकड़ों में हुआ था लेकिन वो परफेक्ट लिस्ट नहीं थी और एक बहुत ख़ास चीज़ मैं बताऊंगा जो मेरे बहुत नज़दीक आ गई और उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किया मैं ये देखना चाह रहा था कि जो शुरू से जब लीगल मूवमेंट चलता है और फिर आज के हम एलिमनाइज़ की बात करते हैं तो मेरा ये सवाल था मेरे जहन में कि कौन से ऐसे अलीग्स हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशनस पर काम किया है क्योंकि हम अलीगढ़ की बात करते हैं तालीम की बात करते हैं तो मैंने जब ढूंढा तो मैं टॉप टू बॉटम अप्रोच लेते हुए मैंने यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर किया तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एलिगेरियज से बनाई हैं और मेरी तहकीक में निकली एक यूनिवर्सिटी यू यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय जो कि गुवाहाटी बेस्ड है महबूबुल हक साहब हैं उन्होंने बनाई है और आप यकीन करिए मुझे दो साल पहले तक उसके बारे में कुछ नहीं पता था तो मैंने उनके बारे में लिखा उसमें काफ़ी तफसील है और उसके बाद मैं जिससे मिलता हूँ मैं उसको बताता हूँ और मुझे हर आदमी यही कहता है कि इतना बड़ा काम और यूनिवर्सिटी के साथ तकरीबन एक दर्जन इंस्टीट्यूशंस और हैं तो जो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो किताब अल्लाह के शुक्र से जहाँ जहाँ तक पहुँची लोगों ने हैरत किया कि इतना बड़ा काम हो रहा है और हमको पता ही नहीं है तो खाली ऐसा नहीं है कि पुरानी तारीख़ वाली चीज़ें भी तारीख़ में जैसे एक चीज़ मैं बताऊँ बहुत अहम है अट्ठारह से लेके 24 मई 1875 जब से मदरसतलूम बना और 2020 तक की सारी तारीख बुलेट पॉइंट्स में आपको कुछ भी देखना है आप उस डेट में उस साल में उस महीने में जाइए आपको वो पूरी तारीख मिल जाएगी सर सैद साहब का सारा काम बुलेट पॉइंट्स में डेट वाइज़ में क्रोनोलॉजी में तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम अभी बात करेंगे तो शायद ये गुफ्तु तो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि पहली बार आई और तमाम ऐसी चीज़ें जो कि आम तौर पर आती थी लेकिन अक्सर वो चीज़ें गलत होती थी जैसे तराना का पहली बार हुआ एक बड़ा मशहूर वाक़ है जो भी स्टूडेंट आता है उसको सुना दिया जाता है कि पंडित नेहरू आए थे उन्होंने कहा कहागढ़ का तराना नहीं हो और रात ही रात में तराना लिख दिया गया जो कि कहानी गलत है और मजाज ने उन्नीस में लिखा फिर उन्नीस में पहली बार वो तराना जो है तो इस तरह से ये सारी तारीख़ें सर सैद डे के बारे में हमारे एलनाइज़ के बारे में हमारे मोनमेंट्स के बारे में हमारी जो आपने कहा ट्रेडिशंस के बारे में हमारे टाइटल्स के बारे में तो ये सब मेरी कोशिश थी कि इसमें आना चाहिए हाँ सबसे अहम हमारे कितनी फैकल्टीज हैं उसमें कौन से डिपार्टमेंट्स हैं उस सब के बारे में भी ध्यान दिया गया सो so, ये खुद में ये ख़जाना है <laughs> जो आपने जैसे मैंशन किया दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कि फर्स्ट लैंग्वेज बैरियर बिकॉज आपने इसको इंग्लिश में लिखा आई मीन उर्दू इज़ गुड वी ऑल शुड लर्न उर्दू हमें आनी चाहिए बट जो सोसाइटी की जो रियालिटी है वो यही है कि हाँ एवरी वन डजन नो उर्दू एंड उर्दू लाइक लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर वैन वी एम फॉर एजुकेशन और दूसरी चीज़ जो आपने बहुत अच्छी कही कि सारी चीज़ें इसमें हिस्ट्री uh, है इन बुलेट पॉइंट्स कि बहुत ही एक्सेसिबल किताब आपने बताया बनाई है कि किसी को देखना है तो इंतज़ार नहीं करना है कि अगर हम ये पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा सो इट्स बेसिकली सर्विंग दैट पर्पज़ ऑफ़ इंट्रोडक्शन एजुकेशन एंड एलाबोरेशन ऑन दैट ऑल्सो कि कोई भी पढ़ना चाहे जानना चाहे अलीगढ़ के बारे में ए एम के बारे में अलीग्स के बारे में और आप उनके काम को भी रिकगनाइज़ कर रहे हैं दिस इज़ लाइक दिस इज़ समथिंग विच यू हैव गॉन आउट ऑफ द वे कि अलीगेरियंस क्या काम कर रहे हैं बाहर जाके दुनिया में निकल कर आपने उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया सो मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट ऑल्सो सो अब हम इस गुफ्तु को ख़त्म करते हुए ये जानना चाहेंगे कि वॉट्स योर वे फॉरवर्ड आपने ये किताब निकाली बहुत ही अच्छी है बहुत ही खूबसूरत है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स नीड ऑफ द आर इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर वी वांट आर इंस्टीट्यूशन टू बी नोन एवरीवेयर तो आगे आप क्या करना चाहेंगे आगे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं इस मिशन के साथ इस पर्पस के साथ ये आपका नाला बहुत अहम सवाल है और मैं दो तीन चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा जैसे मैंने अभी यू का जिक्र किया महबूब साहब का जिक्र किया तो मेरे एक साल के अंदर वहाँ चार चक्कर लगे और मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ और 20 साल बाद मैंने वहाँ पे अभी रिसेंटली पीएचडी में एडमिशन ले लिया और उसमें जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में क्या इदारा साजी करी है द इंस्टीट्यूशनस बिल्डिंग बाई मुस्लिम्स इन इंडिया तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है बहुत ही मुश्किल टॉपिक है क्योंकि ये मेरा पैशन है मुझे एकेडमिक्स में नहीं जाना है मुझे पीएचडी की डिग्री का कुछ नहीं करना है तो ये एक पहला तो वे फॉरवर्ड है जिसपे ऑलरेडी की काम शुरू हो चुका है और उसमें बहुत मजे की चीज़ ये है कि ये काम जो मैंने शुरू में भी कहा कि सर सैद अहमद ख़ान साहब को हम फाउंडर ऑफ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखते हैं लेकिन मैं उनको अलीगढ़ मूवमेंट की तरह देखता हूँ अलीगढ़ मूवमेंट में मैं आपके सवाल का थोड़ा सा जवाब दे रहा हूँ अलीगढ़ में मूवमेंट में बुनियादी तीन चीज़ें हैं पहली चीज़ तालीम के ऊपर काम जो उन्होंने किया दूसरा सोशल रिफॉर्मेशन और तीसरा रिलीजस अवेकनिंग तो मेरी भी कोशिश यही है क्योंकि हम जब इतनी तफसील में उस शख्स को पढ़ रहे हैं बहुत सारा इंस्पिरेशन मुझे खुद मिल रहा है मुझे सीखने को मिल रहा है मुझे समझने को मिल रहा है तो दूसरा जो मेरा एजेंडा है जिस जिसपे मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि बहुत सारा तमाम अलीगढ़ पर बहुत काम हुआ है मतलब मैं अगर फेर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ कम से कम 500 किताबें तो ऐसी होंगी जो कि ऑलरेडी हो चुकी हैं लेकिन इसके बाद भी तमाम ऐसा काम है जो नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है मुझे नहीं पता मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ और लेकिन अब वक्त ज़रूरत क्या है क्योंकि अब सदी जो बदली है और उर्दू का जवाल है और उसकी वजह से हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है क्योंकि हमने सेंटिनरी ऑलरेडी मना ली है सर सैद के 200 साल का जश्न मना लिया है लेकिन तमाम चीज़ें जैसे मैं आपको एक दो चीज़ का कर जिक्र करता हूँ अता खुर्शीद साहब का मैंने जिक्र किया बड़ा तारीख़ी काम अभी उन्होंने किया इसी दो में सर सैद के लेक्चर्स एक जगह जमा किए हैं जो कि अब तक नहीं हुए थे क्यों नहीं हुए थे मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ लेकिन उन्होंने ये तारीखी काम किया तीन वॉल्यूम्स में ये इस तरह से देखिए तीन वॉल्यूम्स हैं ये मैं एक वॉल्यूम आपको दिखा रहा हूँ ये तीन वॉल्यूम्स में कुलियात कल्लियात खुदबात सर सैद तो ये अभी रिसेंटली आया उसके बाद जो दूसरा एक तारीख़ी काम हुआ वो ये हुआ कल्यात मकतूबात सर सैद चार वॉल्यूम में सर सैद के लेटर्स हैं जो कि एक जगह जमा हुए या खुर्शीद साहब ने किया है तो अभी जो आपने कहा वे फॉरवर्ड ये है कि बहुत सारी एक जिसको कहते हैं एक टीम बन गई है अल्लाह के शुक्र से बहुत सारे ऐसे दीवाने लोग हैं मैं दीवाने ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि बिना दीवानगी और बिना जुनून के काम हो नहीं सकता है तो वो कुछ लोग लखनऊ में हैं कुछ दिल्ली में हैं कुछ अलीगढ़ में हैं और कुछ हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग बाहर भी हैं तो आइडिया सिर्फ ये है कि अब तक जो हम काम नहीं कर पाए हमें उनकी प्रॉब्लम में नहीं जाना है वी आर वर्किंग फॉर द सल्यूशन और हमें वो सारा काम करना है सर सैद का ख़ुद लिखा हुआ जितना काम है उनकी लेक्चर्स और उनके लेटर्स ये अल्लाह के शुक्र से दो काम अता खुर्शीद साहब ने कर दिए तीसरा काम सर सैद की खुद लिखी हुई किताबें और चौथा काम उनके आर्टिकल्स कहने का बात यह कि सबसे पहले हमें सर सैद के ऊपर सारा काम करना है दूसरी चीज़ जब हम अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें एलुमाइज का जिक्र आ रहा है और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं क्योंकि वक्त इतना ज़्यादा शायद नहीं होगा तो मैं इतनी तफसील में नहीं जा रहा हूँ लेकिन इन सब चीज़ों पे काम करना और अल्टीमेटली हमें क्या करना है ये तो चलिए किताब हो गई अल्टीमेटली जो बुनियादी मकसद है वो बुनियादी मकसद ये है कि अलीगढ़ मूवमेंट को थोड़ा सा रिफ्रेश करना है क्योंकि मेरा ख़ुद का मानना है जो अकबर इलाबादी का मैं एक शेर यहाँ इस्तेमाल करना चाहूँगा कि अकबर इलाबादी वाद ऐसा शायर है और मेरी अपनी तहकीक़ के हिसाब से क्योंकि मैंने अलीगढ़ में मुझे शर्फ हासिल है मेरे पास बीए में उर्दू थी असगर अब्बास साहब जैसे स्कॉलर्स ने मुझे पढ़ाया है और मेरे रोल मॉडल हैं असगर अब्बास साहब अभी उनका रिसेंटली इंतकाल हुआ अल्लाह उनको जन्नत में अला मकाम दे तो असगर इलाबादी साहब जैसे शायर जो है जो कि सर सैद के बहुत निगेटिव थे शुरू में मतलब सबसे निगेटिव अगर सर सैद पर लिखा है तो वह अकबर इलाबादी ने लिखा है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव भी अगर किसी ने लिखा है तो वो अकबर इलाबादी ने लिखा है तो वही आपकी बात का ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि अकबर इलाबादी जब कहते हैं मैं दो मिसरे उनके मुझे मिलते हैं कि है यही बेहतर जाके अलीगढ़ से कहूँ है यही बेहतर जाके अलीगढ़ से कहूँ मुझसे चंदा लीजिए मुझको मुसलमान कीजिए तो ये अकबर इलाहाबादी हैं और इसी में फिर जब ये अगली बात कहते हैं कि हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता था हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता था न भूलो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में तो मेरा जो मानना है कि सर सैद साहब का जो काम है लीगल मूवमेंट ये आज भी अगर इस 2022 में इक्कीसवीं सदी में कोई इसको पढ़ता है समझता है तो हमारी सारे प्रॉब्लम सर सैद ने लिखी हैं और उसको कहीं ना कहीं करके दिखाया खाली कहा नहीं है जो अभी अकबर आबादी ने कहा हमारी बातें ही बातें सैयद काम करता था तो उन्होंने वो सारी चीज़ें कही हैं लिखी हैं और उसको एग्जीक्यूट करके दिखाया तो हमें करना क्या है सबसे पहले हमें सर को समझना पड़ेगा बुनियादी तौर पे और समझने के बाद फिर हम एक्शन में आएंगे तो मेरी बस जो छोटी सी कोशिश है मैं बस उसी अलीगल मूवमेंट पे ही काम कर रहा हूँ और सही सर के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ सो यू आर कैरिंग फॉरवर्ड द लाइट ऑफ सर सैद से एंड दैट इज अ वेरी वेरी थाटफुल वर्क एंड माइंडफुल वर्क एंड अगेन द नीड ऑफ द आर और madam, you are actually living up to the virtues and vision of Sir Syed Ahmed Khan. Shukriya. And many congratulations. this book. Thank you And it's my like, a humble request to all of our audience that you all should go through this book. It's not only a book, but it's a vision. It's a mission. It's your love and connection to AMU, with AMU.